पुलकित हृदय का हर्ष हो, परमात्मा का स्पर्श हो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। गाइस, होप आप सभी लोग बहुत बड़े होंगे। और मैं दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ, और यहाँ पे लेडीज लोग आज सफाई करते हैं, तो मैं जाके मिलती हूँ। मैं चक्की वाला एरिया इस साइड पर। दो पार्सल मंगाए थे मैंने, इसका प्राइस वगैरह मैंने अपने न्यू ब्लॉग में बताया, तो पक्का देखना आप लोग। एक साड़ी ये है, और वाव अच्छा है ये, देखते गाइस। ये देखिए, ये साड़ी कुछ इस टाइप की है, और जितना इसका प्राइस ना उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है रियली में। और इसका ब्लाउज देख सकते हो गाइस, तो बहुत प्यारा आ रहा है, बहुत यम्मी कलर है। इसे हम लोग केसर पिस्ता का कलर बोलेंगे गाइस। तो दूसरा पार्सल आप लोग देख सकते हो गाइस, ये डैमेज आया है, तो इसे मैं रिटर्न कर दूंगी। ये पैरेट ग्रीन कलर की है, बट इसमें ना थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा है, तो इस वाले को मैं रिटर्न कर दूंगी और पर्पल वाले को रखूंगी मैं। और इसका ब्लाउज मुझे काफ़ी पसंद आया, मैं सच में बोलूँ तो ब्लाउज बहुत अच्छा है, बट साड़ी की क्वालिटी बहुत कम है, हल्के वैसे प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है, बट उत्तम ही सही साड़ी। और कैसा लग रहा है कमेंट करना, तो इसका मैंने ब्लॉग देखना, प्राइस वगैरह सब कुछ बताया है। तो चलिए अभी गाइस, ये साड़ी है पर्पल, और इसे ना मैंने वापस करने का सोचा था, बट ये मेरी मॉम पसंद आ रहा है तो मैं इसे वापस नहीं करूँगी। और मम्मी बोले ना इसमें हैंड का वर्क है, मतलब हाथ से काम कर रखा है, और इसका ब्लाउज भी रेड है, वरना ब्लाउज में दूसरा लेके आऊँगी। तो कैसा लग रहा है कमेंट करना। और निक्की यहाँ पे सोई, और ये देखो निक्की कौन है, चीची ये पद्दू देखो, पद्दू पद्दू देखो, पद्दू पंपू देखो, पंपू कैसे सो रही है, पंपू पंपू पंपू। तो गाइस क्या बोलते हैं, निक्की को अपनी वीडियो देखे इतनी हंसी आ गई, पंपू को देखो गाइस, पंपू पद्दू पद्दू पंपू पंपू है ये तो, पंपू। ये उस दिन की वीडियो देख रहे हैं, और यहाँ पे किट्टू दीदी सोई है, मम्मी यहाँ पे है, और मैं यहाँ पे हूँ खाना खा के चाय पी रही मम्मी। और ये देखो वीडियो मारने के लिए कैसे शरारत कर रही हूँ, नानी के साथ आई, नानी के साथ, कितनी क्यूट लग रही है पंपू। ऐसे निक्की तेरे फोटो खींच रही हूँ, फोटो पोज बना, पोज बना, पोज बना, ये और ऐसा वाला, और बना, अब बर्थडे वाला बना। मैं रिएक्शन वीडियो ले रही हूँ, तो आप लोग देख रहे हैं। इसके बर्थडे का व्लॉग है ये, तो गाइस अभी रात के 12 बज गए हैं, और यहाँ पे ना मैं व्लॉग एडिट करती हूँ, और निक्की को देखो आप कैसे आ रही है, ये नींद में घूम रही है ये, और इतनी क्यूट लग रही है नींद में, ये देखो मेरी निक निन्नो आरिश का बोलेंगे बाजी वाला, ये देखो ये नींद में कहाँ घूम रही है, नानी के पास जा रही है, मामा के पास चल रही है। तो यहाँ पे ना गाय निक्की फूल और मजे ले रही है नींद में, निक्की यहाँ को देखो चली रहा है वैसे, तो वेरी गुड मॉर्निंग सबसे पहले आप सब, और अभी हम लोग जा रहे हैं जिम में, मम्मी घर में जाएगी पिंकी और मैं जिम जा रहे हैं, और आज मैं ये गर्म स्वेटर में, और फॉर्म में मैंने स्लीपर पहने हैं, और पिंकी दी का फर्स्ट डे है जिम में, कैसा लग रहा है पिंकी दी, अच्छा लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है, भूल गया पिंकी दी, अब हम लोग जाएंगे गाड़ी जिम। तो पिंकी दी पीछे से कुछ बोलना चाहते हो, पिंकी दी बोलो, अच्छा लग रहा है, जाऊंगी सोचा था कब से, जा नहीं पाई आज, जा रही बस टाइम नहीं मिलता था ना, आज जा रही, आज जा रही हूँ, मैं सोच रही हूँ आज से डेली जाऊंगी, बीच में आई थी यहाँ पे बात करने के लिए, जा नहीं पाई,
जिस वाले जिम में मैं जाती हूँ उसी वाले जिम में पिंकी दी ने भी बात करी थी। और हम दूसरों के ये पंचक्की से नीचे दो नहरिया आते हैं गाइस, आप लोग देख सकते हैं धूप भी आ गई है और आज ना बादल वाला मौसम भी है यहाँ पे आयरन का। गाइस यहाँ से ना मुखा निकले जाते हैं और यहाँ से कॉलेज वाली रोड के लिए जाते हैं। मम्मी आटा लेके जा रहे, बाय बाय मम्मी। बाय बाय। पिंकी डी करने लगी। तो गाइस जैसे लग रहा है होगी। तो गाइस अभी हम लोग जिम से जा रहे हैं, पिंकी दी को पूछना है कैसा लगा करके फर्स्ट डे। पिंकी दी का लगा चल ही नहीं पा रही मैं तो बिल्कुल भी, आज पैर में दर्द हो गया। आज पिंकी दी ने ट्रेडमिल का एक्सरसाइज वगैरह किया, बिल्कुल नहीं चल पा रही। ट्रेडमिल में थक गई है पिंकी दी और साइकिलिंग वगैरह में। अब अस्तित्व ना ना पी रही हूँ गर्म पानी। मैंने खाई भी नहीं चाय और मैं आज मसाले वाली चाय बना रही हूँ आज, और मम्मी और अपने लिए बना के मिलती हूँ। अच्छे से मुझे ये घर की सब्जी अच्छी लगती है, गडेरी गीठी एंड मुझे भटकी चढ़कानी कड़ी चावल ये सब बहुत अच्छा लगता है। तो इसे काटने का तरीका दिखाती हूँ मैं ओके आप लोगों को, तो बने रही। तो ये रहेगा एक गडेरी। I found a picture we took many years ago when I said to you we would never grow.